गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ मनोज शर्मा, हरदा डिग्री कॉलेज के यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको फिजिक्स का पेपर फर्स्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उसके कुछ टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगा। ये पेपर आपका 23 तारीख को है, सैटरडे को। तो पेपर फर्स्ट के बारे में आज पहले यूनिट के बारे में देखते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं इसके। जो पहली यूनिट है आपकी, जो पेपर फर्स्ट है आपका, ऑप्टिक्स है, प्रकाश की। अब इसकी पहली यूनिट जो है वो है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। इसमें दो सेक्शन है, सेक्शन ए में है परावर्तन और अपवर्तन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और जो सेक्शन बी है आपका, सेक्शन बी में आपका जो रहेगा, कुछ हम एब्रिएशंस पढ़ेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब चूंकि एग्ज़ाम का बहुत कम टाइम बचा हुआ है, तो इसमें हम पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लें। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में आया हुआ है वो है आपका फर्मेट प्रिंसिपल, फर्मेट का सिद्धांत। क्वेश्चन आपका आता है, फर्मेट का सिद्धांत समझाइए तथा इसकी सहायता से परावर्तन और अपवर्तन के नियम लिखिए तथा उन्हें समझाइए। तो जो फर्मेट प्रिंसिपल है उससे हमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों आपको प्रूफ करना है। ये मैंने क्लास में भी समझाया था। सेकंड क्वेश्चन जो है आपका, ये रिफ्रैक्शन फार्मूला है। अच्छा, सेक्शन ए में जो कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो हम ट्वेल्थ की ऑप्टिक्स में पढ़ चुके हैं, आप उन्हें वहाँ से ही पढ़ सकते हैं। ये हमने रिफ्रैक्शन फार्मूला पढ़ा हुआ था, म्यू माइनस वन अपॉन आर इक्वल टू म्यू अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू। ये अपने को प्रूफ करना है। ये आप कॉन्वेक्स या कॉनकेव दोनों सरफेस के लिए कर सकते हैं, जहाँ म्यू क्या है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, माध्यम का परावर्तनांक है। यू और वी, यू क्या है, डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की, वस्तु की दूरी है। वी डिस्टेंस ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की दूरी। और आर जो है वो वक्रता त्रिज्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये फार्मूला आप याद रखें, इसको हमें प्रूफ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कई बार पूछा हुआ है, इम्पोर्टेंट है, एप्लांटिक पॉइंट्स, अभिपथी बिंदु क्या होते और इनके यूज़ क्या क्या है। फिर नेक्स्ट है इसके बाद लेंस मेकर फार्मूला, ये भी आपने ट्वेल्थ में पढ़ा हुआ है। ये होता है वन अपॉन एफ इक्वल टू म्यू माइनस वन, सेकेंड ब्रैकेट में है वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आता है फार्मूला ऑफ फोकल लेंथ फॉर थिन लेंस। अब आपकी जो पेपर में थिन और थिक दो लेंस के फार्मूले दिए हुए हैं, तो जो थिन लेंस का फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ये होता है वन अपॉन एफ इक्वल टू वन अपॉन एफ वन प्लस वन अपॉन एफ टू। एफ वन और एफ टू क्या है, ये फोकल लेंथ है, और जो कैपिटल एफ है वो कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। तो ये फार्मूला उसमें आता है, ध्यान रखना है, यहाँ पे प्लस आता है, माइनस नहीं आएगा। तो स्टूडेंट, ये पाँच छः क्वेश्चंस जो हैं ये महत्वपूर्ण हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से। अब इसमें एक सेक्शन बी भी, सेक्शन बी जो है आपका वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाला है, प्रकाशीय उपकरण वाला। इसमें भी हमने कुछ क्वेश्चंस जो हैं पढ़े हुए हैं, जैसे कि प्रिज्म का फार्मूला है, ट्वेल्थ में पढ़ा था, आप वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। ये होता है म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम अपॉन टू अपॉन साइन ए वाई टू। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला है। अब इसके बाद इसमें कुछ जो न्यू हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका एब्रिएशन इन इमेज, प्रतिबिंबों में विपथन। ये दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका वर्ण विपथन, क्रोमेटिक एब्रिएशन, और दूसरा होता है एक वर्णीय, मोनोक्रोमेटिक एब्रिएशंस। तो सबसे पहले हम आप पढ़ेंगे ये वर्ण विपथन क्या होता है। ये जो वर्ण विपथन है, इसकी पहले मैं डेफिनेशन बता दे रहा हूँ आपको। फॉर्मेशन ऑफ ए कलर्ड एंड ब्लर्ड इमेज ऑफ वाइट ऑब्जेक्ट वाई ए लेंस ड्यू टू डिस्पर्सन इज कॉल्ड क्रोमेटिक एब्रिएशन। मतलब प्रिज्म के द्वारा किसी वस्तु का रंगीन और अस्पष्ट प्रतिबिंब बनना, ये कहलाता है आपका वर्ण विपथन या क्रोमेटिक एब्रिएशन। एक प्रकार का दोष है। अब ये दो प्रकार के होते हैं, पहला है आपका अक्षीय वर्ण विपथन, एक्सियल क्रोमेटिक एब्रिएशन, और सेकंड है आपका लेटरल पार्श्विक वर्ण विपथन। इन दोनों जो आपके प्रकार हैं, मैं इनको एक डायग्राम से आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, क्योंकि इनके डेरिवेशन भी आते हैं, खासतौर से जो एक्सीएल है इसका हमें डेरिवेशन भी प्रूव करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा मैं। तो सबसे पहले हम देखें कि एक्सीएल क्या होता है।
ये आपका लेंस है और ऑब्जेक्ट जो है वस्तु है वो अनंत पर है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है। अब वहाँ से यदि इसकी किरणें आती हैं, लाइट इस लेंस से रिफ्लेक्ट होते आता है, तो यहाँ पर हमने दो प्रकार की इमेज ली है, एक लाल रंग की और एक बैंगनी रंग की। तो लेंस से अपवर्तन के बाद इन किरणों की जो फोकस दूरियों का डिफरेंस वो कहलाता है आपका एक्सियल क्रोमेटिक एब्रिएशंस। ऑब्जेक्ट नहीं मालूम, ऑब्जेक्ट जो है वो इनफाइनाइट अनंत पर है। तो फोकल लेंथ किसकी, वायलेट बैंगनी रंग की फोकस दूरी और लाल रंग की फोकस दूरी का जो डिफरेंस है वो कहलाता है आपका अक्षीय वर्ण विवर्तन। यहाँ पे हमने देखा है कि किनारों से जो किरणें आती हैं वो यहाँ पर मुख्य अक्ष से क्रॉस होती हुई चली जाती हैं, दूसरे सिरे से जाएगी, तो जहाँ पर इनका एक कटान बिंदु है ये आपका पॉइंट, यहाँ पर फोकल लेंथ बनेगी बैंगनी रंग की वायलेट की और यहाँ पर लाल रंग की फोकल लेंथ, दोनों का डिफरेंस मतलब एफ वी माइनस एफ आर ये जो हुआ है, या एफ आर माइनस एफ वी इज कॉल्ड द एक्सियल एब्रिएशंस। अब हम समझे इसके बाद दूसरा है आपका लैटरल पार्श्विक वर्ण विवर्तन। इसमें वस्तु एक परिमित दूरी पर है, फाइनाइट डिस्टेंस पर है। मान लें कि ऑब्जेक्ट है, ये वस्तु है ए बी, ये आपका लेंस है, उत्तल लेंस कॉन्वेक्स लेंस है। इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही है आई वी, किसके लिए, बैंगनी रंग के लिए और लाल रंग के लिए आई आर, तो इनकी इमेज का जो डिफरेंस है, यहाँ पर हम फोकल लेंथ की बढ़ रहे थे, अब यहाँ पर जो इमेज का डिफरेंस है वो कहलाएगा आपका पार्श्विक या लैटरल क्रोमेटिक एब्रिएशंस। तो दो चीज़ें मैंने समझ में आई कि फोकस दूरियों का अंतर, डिफरेंस ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड एक्सियल, और डिफरेंस ऑफ इमेज, दोनों ही कलर का जो डिफरेंस कहलाएगा, आई वी मतलब बैंगनी रंग की और आई आर मतलब लाल रंग की इमेज का जो अंतर है वो कहलाएगा आपका लैटरल क्रोमेटिक एब्रिएशंस। अब उसी का हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेक्शन बी का, अनंत पर स्थित वस्तु के लिए अक्षीय वर्ण विवर्तन का सूत्र, द फार्मूला ऑफ द एक्सियल क्रोमेटिक एब्रिएशंस ऑफ ऑब्जेक्ट इन इनफाइनाइट। मतलब कोई ऑब्जेक्ट है जो इनफाइनाइट पर है उसके लिए हमें एक फार्मूला निकालना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। इसके बाद है परस्पर संपर्क में रखे विभिन्न पदार्थों के दो लेंसों का अवर्णक संयोग की शर्त, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा हुआ है, और ये कंडीशंस होती है आपकी ओमेगा वन एफ टू प्लस ओमेगा टू एफ वन इक्वल टू जीरो। मतलब कोई लेंस है आपका कंबाइन करके रखा हुआ है तो उसका हमें एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन की जो शर्त है या कंडीशन है वो ये निकालना है। अब यहाँ पर जो एक वर्ड आया हुआ है अवर्णक संयोग, एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशन है कि श्वेत प्रकाश से प्रकाशित वस्तु के लिए सभी रंगों का प्रतिबिंब एक ही स्थान पर स्पष्ट बने। मतलब यदि हम लेंस से वाइट लाइट को पास कर रहे हैं तो जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज एक ही स्थान पर बने सारे कलर्स की, तो वो कहलाता है आपका अवर्णक संयोग या एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। तो उसके लिए हमें ये शर्त निकालना है, ये क्वेश्चन है उसका। इसी के बाद इसी में एक क्वेश्चन है कि हम इनको दोनों लेंसों को कुछ डिस्टेंस पर रख दें, कुछ दूरी पर दो लेंसों के अवर्णक संयोग की शर्त, उसके लिए फार्मूला है d इक्वल टू एफ वन प्लस एफ टू अपॉन टू, ये फोकल लेंथ है और d क्या है, दोनों लेंस के बीच की डिस्टेंस है। तो ये फार्मूला भी हमें प्रूफ करना है, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है आपका, ये सारी चीज़ें आप याद रखें। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है आपका मोनोक्रोमेटिक एब्रिएशंस एंड देयर रिमूवल, एक वर्णीय विवर्तन क्या है और उसके निराकरण किस तरह से हम रिमूवल कर सकते हैं, तो ये पांच प्रकार से होते हैं। तो पहले हम देखें ये वर्ड जो है आपका मोनोक्रोमेटिक एब्रिएशंस, ये क्या होता है, जब किसी लेंस या गोली दर्पण पर एक ही तरंग दैर्ध्य का प्रकाश आपतित होता है तो इससे बने प्रतिबिंब में पांच प्रकार के दो संभव, व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट इज मेड इंसिडेंट ऑन द लेंस और स्फेरिकल मिरर देयर आर फॉलोइंग द टाइप्स ऑफ एब्रिएशंस, ये पांच प्रकार के होते हैं। ये पर्टिकुलर भी पूछे जाते हैं, जो आपके टू मार्क्स के क्वेश्चन आना है उसमें ये अलग अलग भी पूछ लिए जाते हैं, या फाइव मार्क्स में आपका पूरा क्वेश्चन भी आ सकता है। ये पांच प्रकार से होते हैं, पहला है आपका गोलीय विवर्तन स्फेरिकल एब्रिएशन, फिर है कोमा, फिर है आपका दृष्टिवैषम्य या अभिन्दुकता एस्टिगमेटिज्म, फिर कर्वेचर वक्रता,
फिर विकृति या डिस्टॉर्शंस। तो ये 5 प्रकार के आपके जो एब्रिएशंस हैं इनको अलग करने के प्रकार हमें समझाना है शॉर्टकट में, और उसमें भी आपका ये कई बार आपका सेकंड कोमा और ये अबिंदुकता सेकंड और थर्ड पे आप विशेष तौर से पढ़ने ये पूछे जाते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन और आता है विभिन्न प्रकार की जो आईपीस है, डिफरेंट टाइप ऑफ आईपीस, नेत्रिकाएं, ये 4 प्रकार की होती हैं, केलर है, हाइगन है, रेम्सडन और गॉस, इनके भी कुछ फार्मूले हैं। तो यदि आपको ये क्वेश्चन नहीं पढ़ना है तो ये दो आपके थर्ड फोर्थ और फिफ्थ ये क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं सेक्शन बी से, ये आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। स्टूडेंट अब सेकेंड यूनिट देखते हैं। सेकेंड यूनिट जो है आपकी प्रकाश का व्यतिकरण, अभी तक हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और इंस्ट्रूमेंट के बारे में। अब इंटरफेरेंस वाले यूनिट आप 12th में ही पढ़ चुके। इसका पहला क्वेश्चन है प्रकाश का व्यतिकरण क्या है, कितने प्रकार का होता है और उसकी हमें शर्तें लिखना है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एंड इट्स कंडीशंस। ये हमने 12th में ही पढ़ा हुआ है तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, 12th में जो आपके नोट्स होंगे या आप अपनी बुक से भी इसको पढ़ सकते हैं, इजी क्वेश्चन है। दूसरा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो है रेले रिफ्रैक्टोमीटर्स, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो रेले का अपवर्तन मापी में हमें उसकी वर्किंग कंस्ट्रक्शन ये एक्सप्लेन करना है विद डायग्राम, चित्र की सहायता से समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पतली फिल्मों में व्यतिकरण किस प्रकार से होता है, इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म। तो इसमें जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वो हमें स्टोक्स के नियम की सहायता से बताना है किस तरह से ये होता है। नेक्स्ट है आपका न्यूटन्स रिंग, ये बहुत बड़ा आर्टिकल है, न्यूटन्स रिंग एक एक्सपेरिमेंट है, इसमें हमें जो आपकी डार्क और ब्राइट फ्रिंज होती हैं उनका हमें डायमीटर निकालना है, फार्मूला है इसका। तो न्यूटन्स बल क्या है इसको एक्सप्लेन करना है और उसके लिए हमें डायमीटर्स निकालना है, जो इसमें दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें बनती हैं, डार्क और ब्राइट रिंग्स जो बनती हैं फ्रिंज आपकी, उसके लिए हमें डायमीटर का फार्मूला निकालना है। एक क्वेश्चन और है आपका फैब्री पेरो इंटरफेरोमीटर्स, फैब्री पेरो इंटरफेरोमीटर या फैब्री पेरो व्यतिकरण मापी क्या है, हमें इसकी संरचना कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को समझाना है। तो स्टूडेंट ये 5-6 क्वेश्चंस जो हैं आपकी सेकंड यूनिट में है, इसमें कोई सेक्शन नहीं है, ये सिंगल यूनिट। इसके बाद हम यूनिट नंबर 3 की तरफ देखें, ये यूनिट बहुत बड़ी है, थोड़ी सी टफ भी है क्योंकि इसमें 3 सेक्शन है। सेक्शन ए जो है वो फ्रेनेल डिफ्रैक्शन, जो यूनिट 3 है वो आपकी विवर्तन की है, डिफ्रैक्शन की है। तो इसमें फर्स्ट जो सेक्शन है वो फ्रेनेल डिफ्रैक्शन, सेकंड है फ्राउनहोफर और थर्ड है आपका रिजॉल्विंग पावर, विभेदन क्षमताएं निकालना है। तो इसमें आप सेक्शन ए और सी से कर लें कि ये ज़्यादा ईजी है, सेक्शन बी तो थोड़ा सा टफ है और इसके क्वेश्चन भी बहुत बड़े बड़े हैं। आंसर इसके सेक्शन ए में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं या महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं ये तो कुछ डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, व्यतिकरण और विवर्तन में क्या अंतर, ये हमने 12th में ही पढ़ा था। इसके बाद डिफरेंस बिटवीन फ्रेनेल एंड फ्रानहोपर डिफ्रैक्शन, फ्रेनेल और फ्रानहोपर विवर्तन में अंतर क्या है ये समझाना है। इसके बाद है फ्रेनेल की हाफ पीरियड जोन्स मेथड, ये बात पूर्ण क्वेश्चन है, ये कई बार आया हुआ है, जो फ्रेनेल की आपकी अर्धकाल जोन विधि है उसको आपको समझाना है और इससे एम्पलीट्यूड निकालना है और रेडियस। सेक्शन सी की तरफ देखें तो सेक्शन सी जो है वो आपका रिजॉल्विंग पावर वाला है, ये प्रैक्टिकली है, हमने कुछ प्रैक्टिकल्स भी किए थे इसके। तो रिजॉल्विंग पावर में हमें यहाँ पर प्रिज्म की भी निकालना है विभेदन क्षमता, टेलीस्कोप दूरदर्शी की, सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोप की, तो इन सब की हमें विभेदन क्षमता रिजॉल्विंग पावर के फार्मूले निकालना है। एक इसमें रेले की कसौटी वाला क्वेश्चन भी आता है, रेले क्रिटिशियंस फॉर जस्ट रिजॉल्यूशंस, ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। और एक लास्ट में एक क्वेश्चन है आपका फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप कला विपर्यासी सूक्ष्मदर्शी, तो ये अभी आप पढ़ सकते हैं। तो आप ये ए और सी सेक्शन को अच्छे से कर लें, इनमें से आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे। यूनिट 4th जो है आपकी वो आपका पोलराइजेशन की यूनिट है, ध्रुवण वाली, इसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं ये भी हमने इसका कुछ थोड़ा सा पार्ट 12th में पढ़ा था। पहला क्वेश्चन इसका डिफरेंस बिटवीन अनपोलराइज्ड एंड पोलराइज्ड लाइट, अध्रुवित और ध्रुवित प्रकाश क्या है इसमें अंतर, फिर मेलस का नियम ला ऑफ मेलस। अब ये कुछ क्वेश्चन जो हैं आपके ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं, जैसे निकॉल प्रिज्म क्या है इसकी संरचना और कार्यविधि समझाइए, एक्सप्लेन द वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ निकॉल प्रिज्म। फिर आपका
फेस रिटार्डेशन प्लेट्स कलामंदन पट्टिकाएँ क्या है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आपका नेक्स्ट जो है वो बेबने प्रतिकारित्र बेबनेट कंपेंसेटर, इसकी भी हमें संरचना कार्यविधि कंस्ट्रक्शन और वर्किंग समझाना है। पोलारीमीटर के बारे में बताना है, प्रैक्टिकली क्वेश्चन है ये, इसमें आपका ये जो है लॉरेंट की हाफ सेट मेथड्स पूछी जाती है, अर्ध आवरण विधि। तो ये आपकी यूनिट फोर्थ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, इन्हें आप एग्जाम के हिसाब से पढ़ सकते हैं, इन्हीं में से ही क्वेश्चन जो हैं वो अभी तक पूछे गए हैं। अब जो आपकी लास्ट यूनिट है लेज़र, लेज़र में भी आपके दो, इस यूनिट में दो सेक्शन हैं, एक सेक्शन में लेज़र के बारे में है आपका और दूसरे में आपके जो है वो डिवाइस हैं कुछ। तो सबसे पहले लेज़र के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, लेज़र क्या होता है। लेज़र जो होता है आपका वो LASER लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लेज़र तो एक बीम होती है, इसका मतलब है कि विकिरण के उद्दीपित उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का आवर्धन। ये आपका लेज़र का डायग्राम बनाया हुआ है, यहाँ पर मोनोक्रोमेटिक एंड कोहरेंट बीम बनाई हुई है। क्या होती है ये लेज़र, इस डेट डिवाइड इस विस द इंटेंस मोनोक्रोमेटिक कोहरेंट एंड यूनिडायरेक्शनल लाइट बीम इज ऑब्टेंड। लेज़र से हम क्या कर सकते हैं, अति तीव्र एक वर्णीय कला संबद्ध प्रकाश को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये लेज़र के बारे में है। अब इसमें से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सिंपल लेज़र क्या है, इसका सिद्धांत समझाना है, प्रिंसिपल, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या विशेषताएं होती हैं जो मैंने बताई है, उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी लेज़र की, और उसकी एप्लीकेशंस, लेज़र का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, जैसे कि मेडिकल साइंस रिसर्च में लेज़र का यूज़ ज़्यादा किया जाता है। फिर है आपका सेल्फ एंड स्टिमुलेटेड एमिशन, जो स्वतः है उत्सर्जन तथा उद्दीपित उत्सर्जन क्या होते हैं, लेज़र के लिए उद्दीपित उत्सर्जन ही महत्वपूर्ण है आपका। फिर रिलेशन बिटवीन आइंस्टीन ए एंड बी कोफिशियंट, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आइंस्टीन के जो ए और बी गुणांक हैं उनमें क्या रिलेशन है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। फिर लेज़र यहाँ पर दो प्रकार के आपके कोर्स में जो दिए हुए, एक रूबी लेज़र है और एक हीलियम नियान लेज़र है, दोनों की कंस्ट्रक्शन वर्किंग संरचना और कार्यविधि पूछी जाती है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार रूबी लेज़र या हीलियम नियान लेज़र पूछा हुआ है। और एक लास्ट है आपका होलोग्राफी, किसी भी वस्तु के त्रिविमीय थ्री डायमेंशनल डायग्राम के लिए होलोग्राफी का यूज़ किया जाता है। तो होलोग्राफी क्या है इसको भी हमें समझाना है। तो ये सेक्शन ए के बारे में इतने क्वेश्चंस हैं, आप पढ़ सकते हैं। यूनिट फिफ्थ का सेक्शन बी देखें हम, सेक्शन ए में लेज़र के बारे में बताया हुआ था, सेक्शन बी में फोटो सेंसर्स के बारे में है, छोटा सा पार्ट है। ये फोटो सेंसर्स क्या होते हैं, फोटो सेंसर्स आर यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के संसूचन के लिए इनका हम उपयोग करते हैं। ये तीन प्रकार के यहाँ पर जो हैं आपके, ये फोटो डायोड, फोटो ट्रांजिस्टर और फोटो मल्टीप्लायर। तो जो आपके फोटो सेंसर हैं वो यहाँ पर दो प्रकार से बताए हुए हैं, एक फोटो कंडक्टिंग डिवाइस है और एक फोटो एमिसिव डिवाइस है। इसमें जो आते हैं वो फोटो डायोड और फोटो ट्रांजिस्टर लिए जाते हैं, और इसमें जो आता है फोटो मल्टीप्लायर्स है। जो सभी डिवाइस हैं, जितने भी हैं आपकी, सभी डिवाइस जो हैं वो क्या करती हैं, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, कन्वर्ट ऑफ लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जितनी भी डिवाइस हैं ये लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पे हम देखें, ये फोटो डायोड, मतलब ये फोटो डायोड इज ए रिवर्स बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड मेड फ्रॉम द लाइट सेंसिटिव सेमीकंडक्टर्स। ये जो होता है वो एक पीएन संधि जो पश्चविनति पर आधारित होता है, जैसे सिलिकॉन प्रकाश सुकराई अर्धचालक से बनाया जाता है। और भी इसकी वर्किंग है, तो मैं तो इनके बारे में सिर्फ संक्षिप्त में बता रहा हूँ, आपको इनकी वर्किंग भी पढ़ना है। इसके बाद दूसरा जो है फोटो ट्रांजिस्टर, ये फोटो ट्रांजिस्टर इज ए लाइट डिटेक्टिंग डिवाइस विच इज यूज्ड इज प्लेस्ड ऑफ ए पीएन जंक्शन फोटो डायोड मोर इफिशियंटली। जो फोटो ट्रांजिस्टर है उसका पीएन जंक्शन डायोड के लिए उपयोग किया जाता है, अधिक दक्षता, मतलब जो गुड एफिशिएंसी है वो प्राप्त करने के लिए हम इसको पीएन जंक्शन डायोड की जगह उपयोग करते हैं। फोटो मल्टीप्लायर्स क्या होते हैं, ये भी एक फोटो एमिशन प्रिंसिपल पर आधारित होते हैं, प्रकाश उत्सर्जक सिद्धांत पर आधारित होते हैं। तो ये तीन प्रकार की डिवाइस हैं आपके, तो ये तीन आपके फोटो सेंसर्स हैं, ये भी आप एग्जाम की दृष्टि से पढ़ सकते हैं।